बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी। आज आपकी वर्कशीट से वर्कशीट 3 और 4 आपको कराने चल रहा हूं। बच्चों, इस वर्कशीट के माध्यम से हम यह जानेंगे कि शब्द कुछ शब्द दिए रहेंगे। इस वर्कशीट में हमें वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेदन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और क्या करनी है बच्चों, शब्द ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मतलब वर्ण विच्छेद और शब्द ज्ञान की जानकारी हमें इस वर्ण विच्छेद के माध्यम से प्राप्त होगी। तो ये जो वर्कशीट है, आइए इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करें। आप भी अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लें, ठीक है, और हमारे साथ ही यहाँ पे वीडियो देखते हुए उसे हल करने का प्रयास करें या सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं बच्चों, ये हमारी वर्कशीट है। क्या है ये? हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट आपको दिख रही होगी, वर्कशीट 3 है ये। वर्कशीट 3 में आपको दिख ही रहा होगा कि दिया गया है वर्ण विच्छेद। क्या करना है बच्चों? वर्ण विच्छेद के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, और क्या करना है बच्चों? दूसरा, नीचे की तरफ आपको दिया गया होगा, आप सब देख रहे होंगे कि शब्द ज्ञान के बारे में, मतलब हमें शब्द ज्ञान करना है कि शब्दों जो शब्द हैं, ठीक है, अगर वो एक शब्द, कोई एक शब्द हमें दिखाई दे रहा होगा तो वो किन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, ठीक है, या हम उन्हें तोड़ करके दो अलग अलग शब्दों में कैसे कर सकते हैं। तो शब्द ज्ञान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है बच्चों, और यहाँ पे वर्ण विच्छेदन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि अगर मान लीजिए कोई शब्द दिया गया है तो हम उसे अलग अलग वर्णों में कैसे लिख सकते हैं, या हम कैसे समझ सकते हैं कि यह किन वर्णों के मेल से बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखें। तो बच्चों, आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि शब्द पढ़कर वर्णों को अलग अलग लिखो। मतलब बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये शब्द आपके दिए गए हैं, ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, यह करना है कि शब्दों को पढ़ना है, इन शब्दों को हमें पढ़ना है और क्या करना है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। मतलब आप सब जानते हैं ये जो वर्ण, ये जो शब्द हैं लिखे हुए, ये वर्णों के मेल से बने हुए हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर इन शब्दों की रचना इन्होंने की है, ठीक है, और ये सार्थक शब्द भी है, ठीक है। सार्थक शब्द कैसे हैं? क्योंकि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके एक सार्थक शब्द की रचना करते हैं, ठीक है, जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम शब्द कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को हमें क्या करना है बच्चों, पढ़ना है और वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, जिन वर्णों के मेल से ये शब्द बने हुए हैं, ठीक है, उन वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। तो आइए देखिए, हम बच्चों यहां पे ये देखते हैं, क्या देखते हैं, आइए देखिए, हम यहां पे ये देखते हैं कि कहानी लिखी हुई है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कहानी, ये शब्द है। तो कहानी शब्द में देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है, और क्या के नीचे हम हलन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? आप सब जानते हैं कि अगर कहीं पे कोई भी व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है, कैसे ज्ञातक, ठीक है, और उसके नीचे हलंत नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उससे जो है वह छोटा अ, मतलब अ जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही व्यंजन वर्णों के साथ में छोटा अ जुड़ जाता है, अ जुड़ जाता है, तो क्या होता है बच्चों, उनके नीचे से हलंत हट जाता है, नहीं तो उनके नीचे हलंत लगा होता है और वो आधे होते हैं। तो हम क्या के बाद में अ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बच्चों, अ, ये अ हमने लगा दिया। अब हम क्या देखते हैं, कहानी, ये जो शब्द है इसमें हा है, तो हा में आप देखते हैं कि है हम लिखते हैं, है के नीचे हम हलंत लगा देते हैं। अगर किसी भी व्यंजन वर्ण में अगर कोई स्वर नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो उसके नीचे क्या लगेगा बच्चों, हलंत जरूर लगेगा, इसे हम हलंत कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हर में जो है वो है बड़ा आ की मात्रा लगी थी, तो हम यहां पे क्या कर देंगे बच्चों, बड़ा आ कर देंगे, क्या कर देंगे, बड़ा आ कर देंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि नहीं लिखा हुआ है, तो जैसे ही न से बड़ी की मात्रा अलग करते हैं, वैसे ही न के नीचे हलंत लग जाएगा, तो ये न हो गया और इसके नीचे हलंत हो गया, और हम देखते हैं कि न में जो है क्या लगा हुआ है,
न में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, अतः हम क्या कर देंगे यहां पे बड़ी लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हुआ है बच्चों, क मतलब आधा क है, आधा है आ आधा है और ई मतलब आधा क धन ए धन आधा है धन आ मतलब बड़ा आ उसके बाद फिर धन आधा न धन बड़ी ई। इन वर्णों के मिलने से, ठीक है, इन वर्णों के मिलने से ये क्या बना है, ये शब्द बना है। कौन सा? कहानी शब्द जो है वह इन वर्णों के मिलने से बना है। आप सबने परिभाषा अच्छे से पढ़ी है तो आपको अच्छे से ज्ञात हो रहा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, ठीक है, दो या दो से अधिक ये वर्ण है, इनका जब मिलन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, और इसके अलावा भी इन इन वर्णों के मिलने से, ठीक है, क्या हुआ, जो शब्द बना वह सार्थक हो, ठीक है, वह कोई ना कोई अर्थ दे रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये हो गया। अब आइए अगले शब्द पे चले। अगला शब्द है हमारा बच्चों शहर। क्या है? शहर। तो ये शहर को देखते हैं, आपको दिख रहा होगा शहर, ठीक है, आप सब जानते हैं कि जैसे ही हम किसी भी व्यंजन वर्ण से, ठीक है, क्या निकालेंगे, अगर जैसे ही मात्राओं को मतलब स्वरों को निकाल देंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे ही जो है इनके नीचे हलंत का प्रयोग हो जाएगा या हलंत लग जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम कि जब जैसे अगर हम यहां पे लगा देते हैं, हलंत का प्रयोग कैसे हो जाता है, ये हम देखने का प्रयास यहां पे करते हैं। तो सर्षे, इस सर्षे हम क्या करते हैं बच्चों, अ की मात्रा या अ को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आधा श धन अ, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर धन है देखते हैं तो है में भी चूंकि ए आया हुआ है तभी इसके नीचे हलंत नहीं है, नहीं तो हलंत होता, अतः आधा है हो जाएगा। आधा है जैसे होगा तो वैसे ही ए बाहर आ जाएगा, ये ए हो गया। फिर देखते हैं कि र है, धन र करते हैं और र में नीचे हलंत करते हैं तो आ जाता है ए, ठीक है, मतलब ये जो हमारा शहर शब्द है, ठीक है, ये जो हमारा शहर शब्द है ये क्या है बच्चों, आधा श धन अ धन है आधा है धन अ धन आधा है धन ऐसे मिलकर के बना हुआ, ठीक है, इतने जो है वह वर्णों के योग से मिलकर के यह बना हुआ। अब आइए अगले शब्द पे चले। अगला शब्द है हमारा बुलबुल। क्या है? अगला शब्द है हमारा बुलबुल। तो बुलबुल इस शब्द में देखते हैं कि ब में क्या लगा है बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, तो छोटा ऊ हो गया। उसके बाद क्या किया गया है बच्चों, ल है तो ल से ए निकाल देते हैं तो ये ल हो जाएगा आधा ल धन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों, आप देख रहे होंगे बू लिखा हुआ है तब ब से ऊ की मात्रा जैसे निकाल देते हैं तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये ऊ की मात्रा ये ऊ हो जाएगा और उसके बाद जो है यह ल फिर से लिखा गया है तो ल में से जैसे ही क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं, वैसे ये आधा हो जाएगा, ल भी आधा हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। तो ये जो बुलबुल शब्द है, ठीक है, ये जो बुलबुल शब्द लिखा हुआ है यह आधा ब धन छोटा ऊ धन आधा ल धन ए धन आधा ब धन छोटा ऊ धन आधा ल धन ऐसे मिलकर के बना हुआ, मतलब इस बुलबुल शब्द की उत्पत्ति इन वर्णों से हुई है। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं अगला जो हमारा शब्द है वह है गाय। क्या है बच्चों? अगला शब्द हमारा है गाय। हम गाय को देखते हैं तो गाय, गाय का जो गा है उसमें
बड़ा की मात्रा लगी हुई है, आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगी हुई है। तो ये जो ग हम लिखते हैं और ग से ग में से बड़ा आ जैसे ही हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे बड़ा आ, ये बड़ा आ हो गया। अब धन यह बचा हुआ है, सब यह जो है तो यह में से हम अ अगर निकाल देते हैं तो ये आधा यह हो जाएगा और ये हो जाएगा अ, क्या हो जाएगा बच्चों, अ हो जाएगा। तो ये जो हमारा गाय शब्द है, क्या है ये जो हमारा गाय शब्द है, यह जो है आधा ग धन आ धन आधा अ आधा ये धन ऐसे मिलकर के बना है। ये जो वर्ण है ये मिल करके, ठीक है, ये मिल करके गाय शब्द की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे आइए, अगला जो हमारा शब्द है वह है मटर। क्या है बच्चों, अगला शब्द हमारा है मटर। अब मटर में देखते हैं म है, म में से जैसे ही हम अ निकालेंगे, ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा, अ निकाल करके बगल में लिख देते हैं। अब हम ट है, ट में से जैसे ही अ निकालते हैं तो वो ट आधा हो जाएगा, तो इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे, धन अ कर देंगे, ये अ हो गया। उसके बाद फिर बचा क्या, र बचा, र में जैसे ही हम अ निकालते हैं तो वह आधा हो जाएगा, तो यह र हुआ। र में नीचे हम हलंत का प्रयोग कर देते हैं और अ लिखेंगे, मतलब जो ये हमारा मटर शब्द है, ये मटर शब्द आधा मैं धन अ धन आधा कर धन अ धन आधा र और धन ऐसे मिलकर के बना हुआ है। मतलब ये जो वर्ण है एक दो तीन चार पांच छह, इन छह वर्णों से मिलकर के यह हमारा मटर शब्द बना हुआ है, या इस मटर शब्द की उत्पत्ति जो है वह है आधा मैं धन अ धन ट आधा ट धन अ धन आधा र धन अ, इससे मिलकर के हुई है। तो आप सब इसे देख लें और इसे लिख दे लें बच्चों। अब आइए अगले शब्द हम क्या करें, जन्मदिन पे चलें। शब्द ये हमारा जन्मदिन है, ठीक है। जन्मदिन में हम ये देखते हैं कि जन्म यहां पे हम अलग लिख सकते हैं और दिन अलग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जन्मदिन जो है वह दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है, पहला जन्म है और दूसरा दिन है, ठीक है। जन्म अलग अपने आप स्वतंत्र अर्थ देता है और दिन का अपना एक स्वतंत्र अर्थ है, अलग अर्थ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बच्चों जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं तो यहाँ पे जो जन्मदिन ये शब्द जो बनाते हैं तो ये एक विशेष दिन का बोधक हो जाता है, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो उसका बोधक हो जाता है। आइए हम चिड़ियाघर पे चले, ये हमारा शब्द है, दूसरा शब्द है। तो दूसरे शब्द में देखते हैं ये जो चिड़ियाघर है, चिड़िया पहले हम ये लिखते हैं चिड़िया, चिड़िया को अलग करते हैं चिड़िया शब्द, चिड़िया ये अलग शब्द हो गया। अब हम देखते हैं धन क्या करते हैं, घर, आप सब जानते हैं कि घर एक अलग शब्द है जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। घर आप सब जानते हो, जानते ही होंगे कि आपका भी अपना घर होगा, हमारा भी घर है, प्रत्येक इंसान उसका अपना एक घर होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, घर हो गया, ठीक है। ये चिड़िया और घर इन दो शब्दों से मिलकर के बना क्या है, चिड़िया घर, मतलब चिड़िया अलग शब्द है और घर अलग शब्द है। ये दोनों शब्द मिलकर चिड़ियाघर शब्द की उत्पत्ति करते हैं। चिड़ियाघर से तात्पर्य यह है बच्चों कि चिड़िया का घर, ठीक है, चिड़िया जहां रहती है, चिड़िया का जो घोंसला होता है उसका घर। अगला शब्द है हमारा तीसरा बच्चों, रसोई घर। क्या है बच्चों, रसोई घर। अब हम इसको अलग करते हैं तो रसोई क्या बच्चों, रसोई अलग लिख दें, ठीक है, ये रसोई हो गया। अब यहां पर क्या कर दें बच्चों, घर कर दें, ठीक है। तो आप सब यहां पहले से ही जानते हैं कि आप सबके घर में रसोई होगी ना बच्चों, आप सबके घर में रसोई होगी, तो रसोई अलग हो गया, ये अपना अलग अस्तित्व तो मतलब अलग स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। वहीं पे घर जो है इसका अपना अलग अस्तित्व है,
इसका अपना अलग अर्थ है। ये दो शब्द मिलकर के इस रसोई घर शब्द की उत्पत्ति करते हैं या इसका निर्माण करते हैं। ये जो रसोई घर ये शब्द है इसका अर्थ होगा, ठीक है, किचन या जहां खाना बनाया जाता है, ठीक है, उसका घर जहां पे खाना बनाया जाता हो, जहां पे भोजन पकाया जाता हो, उसे हम कहते हैं रसोई घर। तो ये रसोई और घर इन दो शब्दों की योग से मिलकर के बना है। ठीक बच्चों, अब आइए हम देखते हैं रेल गुलाब जामुन, ये हमारा अगला शब्द है। क्या है गुलाब जामुन? तो हम गुलाब को अलग करते हैं, क्या ये गुलाब हो गया, और ये कर सकते हैं जामुन, ये हो गया क्या बच्चों गुलाब धन जामुन। तो आप सब ये देख रहे होंगे कि ये जो गुलाब अलग इसका स्वतंत्र अर्थ है, जामुन का भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। इन दोनों शब्दों के मिल जाने से ये एक गुलाब जामुन शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ होगा बच्चों कि जामुन जैसा दिखने वाला एक आपके बाजार में मिलता होगा, एक मिष्ठान है, ठीक है, एक मिठाई है जिसे हम गुलाब जामुन कहते हैं। उसे गुलाब जामुन क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जामुन के जैसा दिखता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जामुन होती है उसके जैसा ही यह दिखता है, अतः हम इसे क्या कहते हैं बच्चों गुलाब जामुन। ये गुलाब और जामुन के ये दो शब्द हैं, इन शब्दों के योग से मिलकर के बना। अब आइए देखते हैं अगला है रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी में पहला जो शब्द है हमारा उसको निकालेंगे तो रेल हो जाएगा। रेल भी अपना एक स्वतंत्र और अलग अर्थ दे रहा है और गाड़ी भी एक अलग और स्वतंत्र अर्थ दे रही है, ठीक है, गाड़ी जो है अपना अलग अर्थ दे रही है। ठीक, तो हम देखते हैं कि यह जो रेलगाड़ी शब्द है इसकी उत्पत्ति रेल इस शब्द और गाड़ी इस शब्द दोनों इन दोनों शब्दों के योग। आइए अगले शब्द पे चलते हैं बच्चों। अगला शब्द है हमारा बच्चों प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो ये शब्द है ये क्या है बच्चों? दो या दो से ये जो है प्रधान और मंत्री इन दो अलग जो है इससे मिलकर के शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। ये जो प्रधान और मंत्री है ये क्या है बच्चों? दो अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधान का अपना एक अलग अर्थ है और मंत्री का अपना एक अलग अर्थ है, अतः क्या हो जाएगा बच्चों ये प्रधानमंत्री ये अलग अपना एक अर्थ दे रहा है यहाँ पे। लेकिन प्रधानमंत्री इन दो शब्दों के मिल जाने से इस प्रधानमंत्री शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अपना एक अलग अर्थ है। प्रधानमंत्री का तात्पर्य है बच्चों कि जो संस्था का प्रमुख हो, ठीक है, कोई अगर एक संस्था है उस संस्था में जो सबसे प्रमुख हो उस संस्था का या जिसके पास में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो प्रधान हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे प्रधानमंत्री। मतलब सबसे मुख्य जो है वही है वह। उसके बाद ये जो प्रधान है इसका अपना अलग अर्थ है और मंत्री का अपना अलग अर्थ है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये जो वर्कशीट तीसरी थी, वर्कशीट 3 ये खत्म हुई, वर्कशीट 4 जो है अगले वीडियो में हम लेकर के आपके लिए आएंगे।